इतने सारे रिकॉर्ड बना लिए हैं जवान ने अपने थर्ड डे पे, जितने रिकॉर्ड आज तक किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं बनाए थे। और आपका क्या रिएक्शन होगा ये जानने के बाद कि इसने 350 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है, वो भी अपने सिर्फ 3 दिनों में। और 2020 जिससे इसको कंपेयर किया जा रहा था, गदर 2 और पठान, उन दोनों को ही इसने कलेक्शन के मामले में काफी बड़ी वाली मात दे दी है। सबसे पहले अगर मैं जवान फिल्म के हिंदी कलेक्शन की बात करूं तो फर्स्ट डे को इसने कमाया था 65.50 करोड़, उसके बाद सेकंड डे को ऑब्वियसली कलेक्शन थोड़े से डाउन आ गए क्योंकि फ्राइडे का दिन जो था वो वर्किंग डे था, और उस वजह से 46.23 करोड़ इसने अपने फ्राइडे को कमाया। सैटरडे को कलेक्शन ऑब्वियसली काफी ज्यादा बढ़ने थे दो रीजन की वजह से, सबसे पहले तो क्योंकि वीकेंड की शुरुआत हो रही थी, और उसका सेकंड रीजन ये था कि जवान फिल्म का तो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत अच्छा है, और इस वजह से कल के यानी सैटरडे के जो उसके कलेक्शंस हुए हैं वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। 68.72 ये इसने कमाया है, वो भी सिर्फ हिंदी बेल्ट में। और इस तरीके से जवान फिल्म का 3 दिन का कलेक्शन हो चुका है 180.45 करोड़ सिर्फ हिंदी बेल्ट में, और ये कलेक्शन बहुत ही ज्यादा इनसेन है। सबसे पहली बात तो इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा कलेक्शन आज से पहले किसी भी हिंदी फिल्म ने नहीं किए। इसके बाद जो रिकॉर्ड आता था वो पठान का ही था, उसके पहले 3 दिन के कलेक्शन थे 55 करोड़, उसके बाद 68 करोड़ और फिर 38 करोड़। तो इस तरीके से उसका 3 दिन का हिंदी नेट टोटल हुआ था 161 करोड़। तो ऐसे में आप देख ही सकते हैं कि जवान तकरीबन 20 करोड़ से आगे है, और वहीं अगर मैं तमिल और तेलुगु के कलेक्शन को ऐड कर दूं तो जवान पठान को बहुत बुरी तरह मात दे रही है। जो मैंने पठान के 161 करोड़ के कलेक्शन बताए पहले 3 दिन के वो हिंदी बेल्ट के थे, अगर मैं तमिल और तेलुगु को भी ऐड कर दूं तो उसमें इसने 3 दिनों में 5.75 करोड़ की कमाई की थी, और इस तरीके से ऑल इंडिया नेट कलेक्शन जो उसका हुआ था हिंदी तमिल और तेलुगु को मिला के वो हुआ था 166.75 करोड़। वहीं अगर मैं जवान फिल्म की बात करूं तो इसने पठान फिल्म से बहुत बेटर परफॉर्म किया है साउथ बेल्ट में। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जो डायरेक्टर है वो है एटली, एंड वी ऑल नो कि वो साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर है। उसके अलावा जो फिल्म की स्टारकास्ट भी है अपार्ट फ्रॉम शाहरुख खान, इस फिल्म में नयनतारा भी है, इस फिल्म में विजय सेतुपति भी है, और इस वजह से अगर आपको याद हो मैंने रिलीज से पहले ही कहा था कि पठान के मुकाबले जवान एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म है। तो ऐसे में अगर मैं 3 दिन के तमिल और तेलुगु कलेक्शन की बात करूं तो फर्स्ट डे को इसने कमाया था 9.50 करोड़, सेकंड डे जैसे कि मैंने बोला फ्राइडे वर्किंग डे था कलेक्शन थोड़े से कम हो गए 7 करोड़ इसने कमाया अपने फ्राइडे को, सैटरडे को फिर से कलेक्शन बढ़ गए, और कल का जो फिगर आया है वो आया है 9.11 करोड़ का। तो इस तरीके से जहां पठान ने अपने तमिल और तेलुगु वर्जन में 3 दिन में सिर्फ 5.75 करोड़ की कमाई की थी, वही जवान की जो कमाई है वो 25 करोड़ से भी ज्यादा है। और जहां मैंने बताया कि 180.45 करोड़ ये इसने 3 दिन में सिर्फ हिंदी वर्ल्ड से कमाया है, वहीं अगर मैं हिंदी तमिल और तेलुगु तीनों को मिला दूं तो 206.06 करोड़, इतना हुआ इसका 3 दिन का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन। अब इसको आप सुनामी कहिए, हरिकेन कहिए या टाइफून कहिए, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि इतने कलेक्शन ना ही किसी बॉलीवुड फिल्म ने इससे पहले किए हैं, और आगे भी किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए ऐसे कलेक्शन करना वाकई बहुत मुश्किल होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं उसका भी आपको लॉजिक बता देता हूं कि जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बात कही थी कि इसने 3 दिन में 350 करोड़ से ऊपर कमा लिए, तो यहां मैं आपको बता दूं ये जो भी मैंने आपको कलेक्शन शेयर किए हैं ये सिर्फ इंडिया के कलेक्शन है। ओवरसीज हम सब जानते हैं शाहरुख खान से बड़ा कोई भी सुपरस्टार नहीं है, और उस वजह से 3 दिन का जो उनका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 384 करोड़ का, और वो भी मैं बता दूं कि फ्राइडे क्योंकि वर्किंग डे था उस वजह से ये फिल्म अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं कमा पाई। इन केस अगर फ्राइडे को भी छुट्टी होती जिस तरीके की 26 जनवरी की छुट्टी पठान फिल्म को मिली थी तो इस फिल्म के 3 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो 400 करोड़ से ऊपर होते हैं। अब इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि ये भी शाहरुख खान की और बॉलीवुड की ऐसी सेकंड फिल्म बन जाएगी जो कि 2023 में आई है और जिसने 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई की है। इससे पहले ऑब्वियसली पठान फिल्म ने कमाई की थी 1050 करोड़, उस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था जब उस फिल्म ने अपना बॉक्स ऑफिस रन एग्जॉस्ट किया था, और उसके बाद थोड़े थोड़े कलेक्शन बढ़ते रहे क्योंकि कई सारी कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में पठान फिल्म को बाद में रिलीज किया गया था। वहीं फ्लिप साइड अगर मैं जवान फिल्म की बात करूं तो जिस स्पीड से ये जा रही है ऐसा देखने में लग रहा है कि ये मिनिमम 1200 से 1500 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डेफिनेटली करेगी, लेकिन ये तो आने वाले दिनों की बात है। अब इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रिकॉर्ड बनाने वाला हूं जो कि जवान फिल्म ने अपने 3 दिनों के बिजनेस में ऑलरेडी क्रिएट कर लिए हैं। सबसे पहले जो इस फिल्म के कल यानी फर्स्ट सैटरडे के कलेक्शन हुए हैं 68.72 करोड़ के, ये मैं हिंदी बेल्ट में बात कर रहा हूं, इतने कलेक्शन आज तक किसी भी बॉलीवुड या हिंदी फिल्म में नहीं किए अपने सिंगल डे में। और इन केस अगर आपको लग रहा हो कि इस रिकॉर्ड की वैल्यू कितनी होगी तो आपको पहले ही बता दूं ये रिकॉर्ड 1 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाला है। आज संडे के दिन जो फिल्म की एडवांस बुकिंग है वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने सिंगल डे का रिकॉर्ड बताया 68.72 करोड़ का वो आज ही अपने फर्स्ट संडे को तोड़ देगी, जिसके बारे में मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन आगे अगर बाकी रिकॉर्ड की तरफ बढ़े तो उसके 3 दिन के जो कलेक्शन हुए हैं जो कि मैंने बताया ऑल लैंग्वेजेस में हुए हैं 206.06 करोड़, इतने कलेक्शन किसी भी बॉलीवुड या हिंदी फिल्म ने आज तक 3 दिन में नहीं किए। तो इस तरीके से फर्स्ट 3 डेज में ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन गई है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड की बात करूं तो इसने जो 3 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया है वो भी किसी बॉलीवुड फिल्म ने आज तक नहीं पार किया था। तो अगेन जवान इज द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म टू क्रॉस 200 करोड़ नेट मार्क इन जस्ट 3 डेज। सेकंड नंबर पे ऑब्वियसली पठान है, जहां मैंने बताया कि 3 दिन में उसने 166.75 करोड़ की कमाई की थी, तो ऑब्वियसली उसने 200 करोड़ का आंकड़ा तो नहीं पार किया था, पर फिर भी 3 डेज का जो हाईएस्ट कलेक्शन का रिकॉर्ड है उसमें टॉप 2 पे शाहरुख खान का ही नाम है। फोर्थ रिकॉर्ड जो कि मैंने आपको बताया था कि इसने वर्ल्ड वाइड 3 दिन में 384 करोड़ की कमाई कर ली है, तो इतने ज्यादा कलेक्शन आज तक किसी भी बॉलीवुड या हिंदी फिल्म ने नहीं किए। जवान इज द वन एंड ओनली फिल्म जिसने 3 दिन में 350 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पार किया है।
और फिफ्थ एंड द फाइनल रिकॉर्ड कि जो कि मैंने बताया तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में इसने 25.5 करोड़ से ऊपर की कमाई की है। तो 3 दिन में किसी भी बॉलीवुड या हिंदी फिल्म ने ऐसे कलेक्शन नहीं किए। ऑल्दो यहां मैं ये बात भी ऐड कर दूं कि 25.5 करोड़ शायद आपको बहुत ज्यादा कलेक्शन ना लगे, लेकिन यहां पे आपको दो बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि पब्लिक में बहुत लोगों को नहीं पता है। सबसे पहली चीज तो ये जो कि पठान फिल्म के साथ भी हुई थी और जवान फिल्म के साथ भी हुई है कि साउथ मार्केट में जो फिल्म को रिलीज किया गया है तो मैक्सिमम इसको हिंदी लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। तो इस वजह से ऐसा नहीं है कि साउथ मार्केट में कमा नहीं रही है, लेकिन मैक्सिमम जो कलेक्शन हो रहे हैं वो हिंदी लैंग्वेज में ही हो रहे हैं। तो इनकेस अगर आपको ऐसा मिसकंसेप्शन हो कि साउथ इंडियन स्टेट्स में यानी केरला में तमिलनाडु में ये फिल्म अच्छा नहीं परफॉर्म करी है, तो आपको बता दूं ये फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। लेकिन क्योंकि मैक्सिमम स्क्रीन जो है वो हिंदी लैंग्वेज को मिली है, तो जितने भी साउथ रीजन से भी कलेक्शन हो रहे हैं वो हिंदी लैंग्वेज में ही काउंट हो रहे हैं। सेकंड चीज, सदर्न रीजन की जो ऑडियंस है वो ज्यादातर जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उन्हें हिंदी में ही देखना पसंद करती है। इस वजह से जो कि मैंने बताया हिंदी लैंग्वेज में इसको काफी ज्यादा स्क्रीन मिली है, वही साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में इस फिल्म को बहुत स्क्रीन नहीं मिली है। डेटा वाइज बताऊं तो हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म को 5,000 स्क्रीन मिली है, वही साउथ इंडियन लैंग्वेजेस यानी तमिल और तेलुगु में इस फिल्म को 500 स्क्रीन्स मिली है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर इस फिल्म को और स्क्रीन्स मिली होती, अगर डिमांड ज्यादा होती, तो जैसा कमाल ये फिल्म हिंदी लैंग्वेज में दिखा रही है वैसे ही कमाल ये फिल्म तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में भी दिखाती है। अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म कौन से रिकॉर्ड बना सकती है। तो दो ऐसे रिकॉर्ड है जो आई एम श्योर मैं आपको कल के वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, वो ये है कि 4 दिन का जो इस फिल्म का वीकेंड होने वाला है वो 250 करोड़ से ऊपर होने वाला है। एज अस 206 करोड़ ये फिल्म ऑलरेडी कमा चुकी है और आज भी ये फिल्म मिनिमम 75 करोड़ तो जरूर कमाएगी, ये मैं ऑल लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से 4 दिन का जो फिल्म का वीकेंड होगा वो 280 करोड़ से ऊपर का होगा। और ये भी मैंने हिंदी तमिल और तेलुगु तीनों की बात करी। अगर मैं सिर्फ हिंदी लैंग्वेज की बात करूं तो जहां मैंने बताया 180.45 करोड़ ये सिर्फ 3 दिन में कमा चुकी है, तो आज जो संडे का कलेक्शन होगा वो मिनिमम 70 करोड़ का होने वाला है। और इस तरीके से ये बॉलीवुड की ऐसी पहली फिल्म बन जाएगी जो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में 4 दिन में 250 करोड़ का बिजनेस करेगी। सेकंडली, जो मैंने बताया कि 384 करोड़ इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुके हैं, तो उसमें आपको बता दूं सैटरडे को इस फिल्म ने बहुत मेजर वाला जंप देखा है, 144 करोड़ इस फिल्म ने अपने फर्स्ट सैटरडे को कमाए। तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि संडे के जो कलेक्शन है वो ऑब्वियसली सैटरडे से ज्यादा होंगे। तो ऐसे में ये चीज बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि कल जब मैं आपसे कलेक्शन शेयर कर रहा तब ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ के ऊपर कमा चुकी होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक रिकॉर्ड जो हम आने वाले दिन में देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जवान ऐसी फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म होने वाली है जो कि 600 करोड़ क्लब की शुरुआत करेगी। यहां मैं आपको बता दूं कि शाहरुख खान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जनवरी में जब उनकी फिल्म पठान आई थी तो उसी ने बॉलीवुड फिल्म के लिए 500 करोड़ क्लब की शुरुआत की थी। उससे पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म में इतने फिगर्स नहीं कमाए थे। ऑब्वियसली बाहुबली 2 ने कमाए थे, बट वो एक साउथ इंडियन तेलुगु फिल्म थी जिसको हिंदी में डब किया गया था। तो ऐसे में पठान का 500 करोड़ क्लब की शुरुआत करना, फिर जवान का 600 करोड़ क्लब की शुरुआत करना, अब देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि डंकी जो है वो 700 करोड़ क्लब की शुरुआत करती है। बाकी अगर आपको मेरा जवान फिल्म का रिव्यू देखना हो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जवान फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है, क्या वाकई ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड फिल्म एवर बन सकती है, सब कुछ बताइएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा ऑस्कर रंजन को दीजिए इजाजत।